इतिहास सेमी फाइनल है और पहली नीति सात नंबर प्ले द्वारा कल्चरल प्रोग्राम एंड फर्स्ट हाफ ऑफ सेकंड सेमीफाइनल इन कबड्डी कंबाइंड स्टार्टेड राहुल कम टू बैक विदाउट एनी रीजन फ्रॉम दिस रेड बहुत बढ़िया नेक्स्ट टीम आ जाए श्री विशाल जी बाटो हमारे बीच में सिकंदरप्री प्रधान ग्राम सभा गांगरो के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं मैं चतर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि उनको बैज लगाकर उनका स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें उनके द्वारा समिति को हमेशा से सहयोग राशि पहुंचा दी जाती है हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं श्री सिकंदर जी प्रधान ग्राम सभा गांगरो श्री विशाल जी बाटो आ जाएंगे स्वस्थ जीवन शैली के लिए जंगबाजी बड़ा ही अच्छा एक खेल जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है यह सात नंबर जर्सी में दीवान राइट कॉर्नर पर अभी अगर रेड ये भी खाली चली जाती है तो चुनौती बढ़ जाएगी फिर यह बड़े बड़े नाम के प्लेयर हैं इधर दीवान उधर अंकित दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता दोनों के बीच कंपटीशन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मैच दोनों की जिम्मेदारी फाइनल में पहुंच रही थी और यहां पर सोची समझी रणनीति से जोरदार आक्रमण करके रेडर को आखिरकार टैकल करने में ब्लॉक करने में सफल हो गई थी अब दिल थाम कर मैच देखेंगे ब्लू एंड टाई रेड ये तो होना ही था मैं बता दिया था पहले दो रेड खाली जा चुकी थी आइए आइए सर विशाल जी प्लीज आ जाए बहुत बढ़िया आंखों में धूल डालकर सिंगल पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा अनाउंस्ड बाय योर रेफरी देयर वाज नॉट सिचुएशन ऑफ सेकंड पॉइंट विशाल जी आ जाओ वेरी गुड ट्राई बाय अंकित बट सक्सेसफुली टेक केयर बेपटरी कर दिया अंकित की गाड़ी को पटरी से उतार दिया लोबी से संपर्क तोड़ दिया चलिए शाबाश ये आखिरी जोड़ी है हमारी जंगबाजी की इनको जरूर देखें आप लोग आखिरी जोड़ी है मैच की विजेता टीम भंजरा के साथ फाइनल में अगला मैच 1.5 लाख रुपए का मैच होगा 1.5 लाख रुपए दो टीमों में बटेंगे जबरदस्त पकड़ क्या गजब प्रदर्शन है भाई और समय के साथ साथ अपना परिवर्तन किया खोई की टीम ने खोई की टीम पहले बहुत ही साधारण तरीके से खेल रही थी लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर फाइनल में खेली और मजबूत हुई सेमीफाइनल में खेली है उससे भी ज्यादा मजबूत हो गई लेकिन दाद देनी पड़ेगी धनता की भी कि उसने भी अपना साहस कमजोर नहीं किया सुपर टैकल ऑन है अब यह महाभारत 5 जून 6 जून और 7 जून को साहिया में चली जाएगी सारी विलेज यानी गांव वाइज गर्ल्स की और ओपन की सारी टीमें वहां पहुंचेगी जबरदस्त ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो गई और यहां पर देखा जाए तो ठंडा की बहुत अच्छी जंगबाजी जरा जोरदार ताले बजाएं इनके लिए जो शुरुआत करते हैं वही अंजाम तक पहुंचते हैं बहुत बढ़िया कोशिश तो कर रहे हैं बहुत सुंदर आखिरी जो उम्मीद थी वो भी पूरी हो गई लेकिन बोनस का अंक ले जाने में सफल हो गई घंटा की टीम से अभी भी संभावना बनी हुई दर्शक होगी बहुत बढ़िया ही रहे भाई अपना कौदे तो नाचनो एक ही ये धन्यवाद करो कमेटी ऑडिकल जी नचाई लिया हम सब
राठौर जी देखे कड़कड़ी बहुत सो पा रही, बहुत बढ़िया। ये अब आए एक्शन में, धीरे धीरे एक्शन में आ रहे हैं राघव। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। जी हाँ भाई, और धीरे धीरे एक्शन में आती हुई टीम। हाँ बहुत बढ़िया, धीरे काइना नु काटिया मोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह काला चश्मा लगा रखा बड़े शीशों वाला। हाँ बहुत बढ़िया, असली जंगबाजी का मजा ही ले रहे भाई। 24-25 हाँ ये देखो, ठंडा की टीम को अब घी निकालना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और अपनी गाड़ी जो न्यूट्रल में चल रही है उसे अब चौथे गियर में लगाना पड़ेगा, वरना दिल्ली दूर है। नितिन चौहान जी द्वारा इस टीम के लिए 1100 रुपए की घोषणा की गई है, और ये एक दूसरे को पुरस्कृत भी कर रहे हैं और उत्साहित भी कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा यहाँ पर बढ़िया सा एक नजारा देखने को मिला, मजा आया। इसी तरीके से धीरे धीरे घर आंगन में जैसे हम सीखते हैं वैसे हमारे ये नौजवान धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में सुमन शर्मा जी हैं, मैडम हैं, आप इनको ये मनी प्रदान करने का कष्ट करें। जी हाँ, जबरदस्त घमासान चलता हुआ कोर्ट नंबर एक पर 1100 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही, हमारे रेफरी का फैसला गलत ही नहीं हुआ परसों से आज तक। खिलाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाड़ी हल्के फुल की नोकझोंक भले ही करते हो कि ये पॉइंट हमारा था उसे दे दिया, लेकिन आज तक अभी तक परसों से एक भी निश्चित। बहुत ही सुंदर से फाइनल मैच खेले जा रहे हैं। मेरा सामने जो खड़े हैं यहाँ पर सामने मंच के सामने, मेरा अनुरोध है आप लोगों से, बड़ा ही अच्छा मैच है और सभी लोग देखना चाहते हैं। आप बैठ कर देखेंगे तो आपको भी आराम मिलेगा और आपको कोई बोलेगा भी नहीं। मेरा निवेदन है आप बैठ जाएं। लो भाई फाइनल में पहुंचने के लिए और 51,000 रुपए के ऊपर मोहर लगाने का मैच है ये, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन। यहाँ पर दीवान की बात की जाए तो अपनी दीवान ने दीवान की दिखाई दी। क्या गजब प्रदर्शन कर रही है भाई खोई की टीम से। जब ये प्री क्वार्टर में खेल रहे थे तो महसूस नहीं हो रहा था कि ये पहुंचेंगे उस मकाम पर, लेकिन आज खोई की टीम ने सूरज को पश्चिम से उदय करके इतिहास बदल दिया, समीकरण बदल दिया, सोच को बदल दिया। कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, मेहनत से किस्मत की लकीर बदल देते हैं। इन बहादुरों को खुद पर यकीन है, ये अपने हाथों से अपनी तकदीर बदल देते हैं। 24-25 रस्साकसी की जो टीमें प्रवेश शुल्क जमा करना चाहती हैं, आप 5 मिनट के भीतर अपना प्रवेश शुल्क जमा करा दें। इसके बाद जब हमारे ऑफिशियल्स यहाँ पर से फ्री होते हैं तो आप लोगों को खिलाया जाएगा। रस्साकसी हमारे गांव का एक ऐसा खेल जो हमें जोश और जनून भर देता है। अगर कम टीमें होगी तो हमारी बाध्यता रहेगी कि हम नहीं खिला पाएंगे, इसलिए अनुरोध है कि प्रत्येक गांव की रस्साकसी की टीम यहां पर होनी चाहिए और सभी लोग रस्साकसी का आनंद लेंगे और सभी लोग उसको देखकर जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप तुरंत टीमें रजिस्टर्ड करा दें। मुख्य में ध्यान दें, क्या हमारी उत्तराखंड पुलिस पूछ रही है कि रस्साकसी गांव भाई से प्रवेश शुल्क जमा करा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कम से कम 7 टीमें होनी अनिवार्य है, अन्यथा हम किसी की फिर प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे।
सात टीमों से ऊपर होगी तभी हम रस्साकसी कराएंगे, और अभी तक शायद किसी भी टीम ने रस्साकसी में अपना पंजीकरण नहीं कराया। जिस टीम ने करा रखा कृपया मुख्य मंच तक सूचना दे दें, धन्यवाद। लो भाई ये कंडीशन, ये शर्त रख दी गई है कि सात होना कम से कम जरूरी है। श्री पप्पू चौहान ग्राम रामपुर, आप कृपया मंच पे आ जाएं, आपकी किट किसी खिलाड़ी के पास है वो प्राप्त कर लें। ठंडा की टीम अपनी साख बचाने के लिए अब मुमकिन कोशिश करती हुई 23, 24, 25, 26। पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर 14-3, वन साइड मैच है भाई, और 14-3 इसका मतलब यह है कि खोई का पलड़ा भारी है। खोई के पास 14 अंक हैं और ठंडा की टीम की गाड़ी अब तक पटरी पर थी और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी, लेकिन देहरादून आने से पहले पटरी से उतर गई। एडी शर्मा जी के गांव की टीम है भाई, और इसी वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है, देखो थोड़ी सी दबी दबी सी लग रही है तो पता लगता है। कोई बात नहीं भाई, ठंडा के पास अभी विकल्प है, पूरा हाफ पूरा का पूरा पड़ा है, जितने मिनट है। नया इतिहास लिखने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, कोशिश करने से होती है हर मुश्किल आसान, लंबा सफर तय करने में वक्त लगता है। यहां पर दूसरे हब की शुरुआत हो चुकी है, और दीवान कॉर्नर के रूप में भूखे शेर की तरह था, लेकिन उसने तो उंगली कटा के बाद में शहीदों में नाम किया, बाकी 99% काम तो दूसरों ने कर दिया। और अभी तो फाइनल की जंग बाकी है, कल ओपन के फाइनल में तो वैसे लिपापोती सी हुई थी, लेकिन आज के फाइनल में ऐसा नहीं होगा, कॉम्पिटिशन रहेगा। बहुत बढ़िया, लेकिन ठंडा के ऊपर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, इतना सब कुछ घाटा होने के बावजूद भी, लेकिन ठंडा की टीम चाहे तो बारिश के और खतरे के बादल दोनों अपने ऊपर से छाट सकती है अगर ये कठिन तपस्या करे। किक लगाने की कोशिश की थी भाई, जो मंच पर बैठे हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखा नहीं, बीच में खड़े हैं अभी, जो बीच में दर्शकगण खड़े हैं, हम आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं कि आप बैठ जाएं या किनारे पे हो जाएं, और हमारे गुरुजी लोग भी कई बार आपको अवगत करा चुके हैं, तो हमारे बात पे भी ध्यान देने का कष्ट करें। सुमटा ग्राउंड था, लेकिन आपसे नम्र निवेदन है कि आप बैठ जाएं या किनारे पे खड़े हो जाएं। वॉलंटियर्स हाथ लगा के कहेंगे तब बैठेंगे, उससे पहले मुमकिन नहीं है। जो भाई पॉइंट मिला खोई को और ठंडा की टीम, ये पॉइंट नहीं मिला बल्कि लोना लग गया, ऑल आउट कर दिया ठंडा की टीम। जो बीच में खड़े हैं तीन लड़के, कृपया हमारी बात पर गौर करने का कष्ट करें भाई, थोड़ा सा छोटे बनने में फायदा है, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है, तो इसलिए इसे खत्म कर दे। आप और मैं दोनों एक जैसे हैं, तो मैं भी झुक जाता हूँ इस उम्र में भी, जब कठिन परिस्थिति आती है तो ऐसे में झुक जाना चाहिए, छोटे बनने में फायदा है। तराजू का पल्ला जो नीचे हो जाता है ना उसकी कीमत रस्साकसी के लिए जो भी टीमें इंटरेस्टेड है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, यदि सात टीमें से कम होगी तो रस्साकसी का एंट्री नहीं ली जाएगी, कम से कम सात टीमें जरूर होनी चाहिए। लेकिन भाई बिल्ली के गले में घंटी कोई बांध नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि अभी सस्पेंस है, अभी खतरा है।
ध्रुव जी आपके टोटके बहुत ही गजब के हैं, उसका तो यदि बीच में बोलना आपने बंद कर दिया तो गणेश जी ने कहा था मैं लिखना बंद कर दूंगा। और इस युग में यदि कोई लिखने वाला आपके साथ होगा तो लिखने वाला थक जाएगा, लेकिन आप बोलने में नहीं थकेंगे, इस बात की हम समझ कमेटी आपका धन्यवाद अदा करना चाहती है। और धन्यवाद समस्त देखने वाले और सुनने वाले भी आपका दिन भर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा हम सबको आपके टोटकों ने गदगद कर दिया है, इसके लिए आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गॉड गिफ्ट है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अकल का कमाल है। शक्ल तो है नहीं ऐसी, लेकिन अकल जरूर है ऐसी जो इस काम को करने में सक्षम है। न जाने जिंदगी में ऐसी कब शाम आ जाए, रखी दवा से कब किसे आराम आ जाए, म्यान को खाली समझकर मत फेंको, पता नहीं कब दुश्मन को डराने के काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के युग में तो एक ही बात है, पहले भी कहा था और आप इसको बखूबी से उसका अर्थ जानते हैं और समझा भी सकते हैं कि अर्थस्य कुतो विद्या, अविद्य से कुतो धनम, अधने से कुतो मित्रम, अमित्रे से कुतो सुखम। बिल्कुल सही बात है भाई, ये सारी चीजें जब ही मिलती हैं जब हमारा चरित्र बढ़िया होगा। ज्ञान यह बुजदिलों में नाम अपना मैं करना नहीं चाहता, मौत से लड़ूंगा मैं, मौत से डरना नहीं चाहता, जब मैं मरूं तो नाम के आगे वीर शहीद लिखा हो, कीड़े मकोड़ों की तरह मैं मरना नहीं चाहता। धन्यवाद गुरु जी, आपका जितना भी प्रशंसा करें कम है, आपने दिन भर ऐसा कहा जो कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपको भी शीतल होए। बिल्कुल सही कहा जी, और बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, यानी अगर समझ बूझ कर बोला जाए तो बोली ऐसी है जो दूसरों का दिल जीत लेती है। तो बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ही है तराजू तोली के तब मुख बहरानी, यानी हृदय वाली तराजू से तोड़ कर बोला जाए तो सबका दिल जीतने में आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि रहमान ने कहा कि जो तो भाई रहमान वो नर मर चुके, जे कहू मांगने जाए उनसे पहले वो मैं जन्म के निकसत नाए, विद्या एक ऐसी अनमोल चीज है जिसका कोई तोल नहीं, और जो तोल करके बोले उसका कोई जवाब नहीं, ये उसका कोई मोल नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उसका कोई कीमत नहीं दे सकता। ठीक है आपने, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आउट भाई थे और यहां पर भाई ये जो कह रहे थे ना कि जिन मुख निकसत नहीं, सबसे पहले तो मरो रहा किनारे बैठे, ये तो बहुत बढ़िया कहा भाई इन्होंने कि हर नामुमकिन काम मुमकिन किया जा सकता है, हर असंभव काम संभव किया जा सकता है, अगर दिल में हौसला और जज्बा हो। गहरे पानी में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा, वरना किनारे पर बैठे बैठे शाम हो जाएगी, घर वापस खा लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी बात दीप की कटी उजारा हो, सिर राके सिर जाते सिर राके सिर हो, सिर राके सिर जाते सिर काटे सिर हो, जैसी बात दीप की कटी उजारा हो। बिल्कुल सही कह रहे भाई, वो काटने के बाद ही उजाला होता है, वरना वो धीमी पड़ जाती है उसकी रोशनी। तीन मिनट टू गो एंड मैक्सिमम एडवांटेज इन फेवर ऑफ खोई। वेरी गुड, फिर वही बात हो गई, किनारे के बिल्कुल पास थे, नजदीक पहुंच गए थे लेकिन प्यासे आ गए, खाली हाथ लौटे। लेकिन थंता की टीम को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि इतनी परफॉर्मेंस में गिरावट क्यों आई, सबूत दीजिए, सोने से कुछ नहीं होगा, रोशनी करो दिया जमीन में, बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का। नहीं, बंजरा की टीम बिना वक्त गवाए कोर्ट नंबर एक के लिए पहुंचे। मैच लगभग समाप्ति की तरफ है और 2 मिनट कुछ सेकंड बची होंगी या 2 मिनट पूरी बची होंगी, ये तो मैं अंदाजे से बता रहा हूं, लेकिन इतना समय है बस।
लास्ट 2 मिनट, अंतिम 2 मिनट। लो भाई अब कन्फर्म हो गया कि 2 मिनट है। 24, 25, बंजरा की टीम कोर्ट में रिपोर्ट करें जल्दी। हेलो श्री कृपाराम शर्मा जी, निर्णायक आप वापस मंच पर आए 2 मिनट के। और बहुत बढ़िया कबड्डी का गेम चल रहा है और गुरु जी के टोटकों से सभी जनता को बहुत आनंद आ रहा है। जैसे कहा गया महाभारत में कि वीरों की कोई जाति नहीं होती और ज्ञानियों की भी कोई जाति नहीं होती, आपने कल भी ठीक कहा कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का पढ़े रहने दो ज्ञान। बहुत ही सुंदर आपने कल से इस बात का जिक्र किया और हर आदमी जिसके हृदय में इस बात को उतारा होगा तो वो इस बात में मतभेद न करें, आदमी के खेल का खिलाड़ी का प्रशंसा करें। जो खेल का होगा उसको किसी जाति विशेष से नहीं लिया गया और जाति पहले नहीं आई, जन्म से कोई जात नहीं है, कर्म से उसकी जात बनती। बिल्कुल लोर भाई, ये सही बात है कि ये टूर्नामेंट कराने का उचित ही ये कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहें और नेक रहें और गाली गलौज से बचें, नशे की आदतों से बचें, खेल से जुड़े, ये सारा मकसद है। लोकप्रियता हासिल करना नहीं है, लोकसभा में पर्चा लाने का मकसद है कि हमारी वोट ज्यादा बढ़ेगी, बल्कि ये इंसानियत आनी जरूरी है, इसका असली मकसद यही है। हेलो हेलो भाई, 25, 26 के ऊपर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई और खुली की टीम ने भंजरा के साथ साथ अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन कहना चाहूंगा कि काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की कदमों के निशान बन जाए, जिंदगी तो